सो हे गाइस, ग्राउंड रिपोर्ट स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अपडेट कि नेक्स्ट जीनियस स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जिनकी मैंने इंटरव्यूज पहले भी की हुई हैं, दे आर ब्रिंगिंग देयर फ्री एसएटी प्रेप सेशन स्टार्टिंग 27 दिसंबर एंड डिटेल्स विल बी इन डिस्क्रिप्शन बिलो। नाउ लेट्स गो। सो फाइनली बैक टू कुशाग्रस प्लेस। आज मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था इन दिस स्टूडेंट हाउसिंग, कह सकते हो, या फिर मेजोरिटी स्टूडेंट्स रहते हैं यहाँ पे जॉर्जिया स्टेट, जॉर्जिया टेक के। आई विल शेयर व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड एंड कुशाग्रस। सो फाइनली जस्ट पार्क माय कार और अभी नोटिस कि यहाँ पे भी शूटिंग हुई हुई है यार। हर जगह कोई जगह बची नहीं जो सेफ हो। ब्लड है हर जगह यहाँ पे यार, कोई सेफ जगह है ही नहीं। एप्पल स्टोर गया कल, वहाँ पे ब्लड, वहाँ पे 7 बार शूटिंग हो चुकी है लिनक्स मॉल में। कल मैं जाऊँगा लिनक्स मॉल, वो लौटाने ट्रेडन वाला। यहाँ पे बिल्डिंग टू के यहाँ कुशाग्रा से बात कर रहा था एक बार फोन पे। हाँ। देखा नीचे तो लॉबी में पूरा ब्लड भरा हुआ, और सेकंड डे देखा तो पूरा क्लीन, कोई किसी को समझेगा भी नहीं कि शूटिंग हुआ है ऐसा करके। ओह माय गॉड यार। और तो आपका भी अपार्टमेंट जला था? हाँ, मतलब हम लोग का बच गया था, लाइक 85% ऑफ द बिल्डिंग जल गई थी, बट हम लोग का बच गया था। ओह माय गॉड, मेरा तो नेक्स्ट था जलने में। हाँ, इसका तो आपको बचा ही नहीं। पूरा सेटल कर लिया क्या? कब मूव कब हुए थे? सितंबर में। सितंबर, ओके। हाँ, शूज उतार देता हूँ। नहीं करता, वो मत डाल यार। ठीक है, सो दिस इज कुशाग्रस सेटअप। नाइस रूम यार, तो अभी पूरा 100% सेटल हो गया। नाइस चेयर, चेयर कौन सी है ये? ये गेमिंग चेयर ली थी यार मैंने। ये कितने की आई? सस्ती थी यार, डील में ले ली थी, 70 या 50 की थी। तो ये पार्ट ऑफ एवरी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट राइट? रोज बनाता है गोल्स अपने इस पे? हां, रोज नहीं है ये, अभी कॉलेज से पुराना पड़ा है। इसका एक बोर्ड मेरे पास है, बोरो किया था मैंने। ओके, इसके लिए पढ़ाई कम हो गई बोल रहा है, नहीं तो फैंग हो जाता अभी तक। नाइस रूम, सो दिस इज कुशाग्रस रूम, और बाकी बाद में बात करेंगे कैसे मूव हुआ, कैसे हुआ। लेट्स गो टू हर्ष रूम। वैसे ये अपार्टमेंट पहले से बेटर है ना? राइट। हाँ, पहले से बेटर है तो अच्छा ही हुआ। और ये कितने का पर मंथ पड़ता है आपको? 1000। मतलब पूरा प्राइवेट रूम 1000? बहुत महंगा पड़ता है, मैं 800 पे करता हूँ। पर ये फर्निश्ड भी नहीं है राइट? फर्निश्ड नहीं है, नहीं है। हाँ, आपका कितना पड़ता है सौरभ? मेरा भी अराउंड 800। 800? आपका कम क्यों? क्योंकि हम लोगों को मतलब वो डील मिल गई थी, 2 मंथ्स का ऑफ मिला था बस। डील क्योंकि आपका अपार्टमेंट कार्ड जल गया था तो इसके लिए इस कारण डिस्काउंट मिला। मतलब पुराने अपार्टमेंट ने डिस्काउंट दिया कि नए वालों ने? नए वालों ने दिया। हाँ, तो मेरा भी वही डील लगा, भी लगा। पर आपको अच्छा डील लगा के आपको भी 800 800, ये दैट इज प्रीटी कूल यार। तो इस कारण पहले शेड में रहते थे ना? हाँ, पहले शेड में रहते थे। पहले शेड में कितना पे करते थे? 1000 था पूरा, 1000 था मेरा। 450 था तो 900 पकड़ गए पूरे। 450 पड़ता था। अब थोड़ा महंगा पड़ता है, पर प्राइवेसी इम्पोर्टेंट है। कैसी क्लासेस? ये बेटर लग रही है। हाँ, ये बेटर लग रही है। मैं आपको लिंक दे दूंगा, लाइक यूजिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बिलो, इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल देना। 15 कोड है क्या हरनूर का नाम है? हाँ, ऑफ होगा। मतलब उसमें काफी कूपन है, मतलब लिंक खोलना उसके बाद काफी कूपन है, यू गेट डिस्काउंट। दैट व्यू इज बेस्ट यार, इतना अच्छा व्यू मैंने कभी देखा। सुबह उठो और पूरा डाउनटाउन दिखे। असली व्यू रात का वाला चलता है, इतना मस्त लगता है ना। वाओ, तो रात पूरा स्काईलाइन दिखता है। Wow, यार, this is the best we have ever seen in Atlanta in any apartment. Amazing. तो फिर के साथ में विश कर। Okay. Happy birthday. So this is Harsh's room. क्या बात है यार, बहुत organized है। Wow. मेरे से तो ज़्यादा ही है ना? और आप कितना रेंट पे करते हो? 800? 1600 सबका है यार, प्राइवेट रूम।
वाओ, और सेटअप भी बहुत अच्छा है यार, इतना ऑर्गेनाइज्ड। हां यार टीवी बहुत बढ़िया है, चला के दिखाओ। ये ब्लैक में लिया था मैंने। ये 65 इंच टीवी $230, इतने का इंडिया में 32 इंच भी नहीं आता, राइट? राइट, और स्मार्ट टीवी है। वाओ, 20 इंच तो मिल जाएगा इंडिया में, ऐसा भी दिया वो तो ज्यादा हो गया। वाओ, पर इसकी मतलब मैंने बजे सुना कि ऑडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं कि TCL की सैमसंग की बेटर होती है। इसका एलेक्सा वाला स्पीकर है ना, उससे कनेक्ट कर देता है। हां ये एलेक्सा मेरी कहां पे? ओह अच्छा अच्छा, बड़ा वाला एलेक्सा। बेस्ट व्यू एवर, मतलब वैंकूवर में इवन नेक्स्ट लेवल होता है वैंकूवर में, कि इट्स लाइक सेम सिटी में, एक साइड पे माउंटेन्स, एक साइड पे स्काईलाइन, एक साइड पे बीच, तो इट्स बेटर, बट दिस इज प्रीटी गुड टू। TCL से कॉपी कर, दिस इज लेट यार, बहुत यार, है ना? हां एपिक, वाओ यार, 65 इंच कमाल है। उसमें मैंने तो समझ नहीं आ रहा था, तो वी वर जस्ट रनिंग फॉर आवर लाइव्स कि निकलते हैं फिर सोचेंगे क्या होगा। एक्चुअली जब हम लोग पहले मालूम चला तो समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, एवरीबॉडी इज रनिंग आउट, सो हमने भी हम जो हाथ में था सामान वो लेके हम लोग भाग लिए, फोन वगैरह सब लिया, फोन लैपटॉप एसेंशियल्स, कुछ लोग पासपोर्ट लिए कुछ लोग नहीं ले पाए। आपने लिया आपका पासपोर्ट? हाँ मैंने लिया था, मैंने पासपोर्ट और लैपटॉप। ये कुशाग्रह का घर है शायद, कुछ कुशाग्रह का, ओह माय गॉड यार, ये तो इतना डिप्रेसिंग है, मतलब तुम सब लोगों ने वीडियो बना भी कैसे ली, मैं तो देख भी नहीं पाता अपने घर को यार ऐसा। जब स्टार्ट हुआ ना तब हाँ? हमको लगा नहीं था कि इतना बड़ा आग हो जाएगा, हमको लगा कि मैनुअल जो कभी कभी होता है इंसिडेंट वैसा होगा, एक दो घंटे में फायर ब्रिगेड आके बुझा के चला जाएगा, बट बाद में बहुत बढ़ गया एक्चुअली वो। जिस दिन अपार्टमेंट फायर हो गया फिर शेल्टर आयशा ने दिया था हम लोग को, खाना दिया था, दाल चावल पापड़, बहुत अच्छा खाना बनाया था। वाओ, थैंक यू सो मच आयशा। तो आप कह रहे थे कि किसी का कुछ लोग फोन भी छोड़ गए, पासवर्ड भी छोड़ गए, तो वो हाँ मतलब जब फायर अलार्म जब तक बजा तब तक लोग ऑलरेडी बाहर जा चुके थे, तो कुछ लोग को लेट से मालूम चला, जैसे कि मेरा रूममेट जब मालूम चला तो उसको तो वो हड़बड़ी में लैपटॉप उसने छोड़ दिया, उसने फोन भी छोड़ दिया, सिर्फ पासपोर्ट लेके भाग गया था। तो बाद में हम लोग को जैसे हर्ष ने कहा कि हमें लग रहा था कि जल्दी मिल जाएगा, लेकिन होते होते लेट होते होते जलना जब शुरू हुआ तो एक फेज में ही था आग, पहले जैसे ये अभी आप देख रहे हो लेफ्ट में था ना, तो वहाँ शुरू हुआ था, लेकिन इट स्प्रेड आउट थ्रू आउट, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था हमारे लिए। तो फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप करते, तो पहला स्टेप था फायर अलार्म बजी, और मतलब तब फायर अलार्म नहीं बजी थी, धुआं सुना पहले मेरे को, तो जब हम धुआं दिखा मतलब बालकनी में थे, तो मेरे टॉफर में जो रहते हैं वो लोग चिल्ला रहे थे फायर फायर रन रन करके। तो कितने बजे हुआ ये? सुबह सुबह 12 बजे के आसपास, 11:50 के आसपास। 11:50 तो आप सब हुआ, तो मैंने इसको कॉल किया कि अबे फायर लग गया है, सामान वामान लेके निकल। मैं तो ऑफिस के मीटिंग में, ऑफिस के मीटिंग में था, इन्होंने मुझे कॉल किया, मैं बोला कि थोड़ी देर रुको मीटिंग कंप्लीट करके आता हूं, पर लैपटॉप ले लिया तो फिर मीटिंग कैंसिल की ना, मीटिंग नहीं कैंसिल की, और बस लैपटॉप और फोन और पासपोर्ट, ये तीन चीजें लेके भागा था मैं। ओह माय गॉड, तभी मतलब ये सब कुछ नया दोबारा खरीदना पड़ा, जो भी दोबारा खरीदना पड़ा, ए टू जेड सब कुछ। ओह माय गॉड, तो जब मूव आउट हुए सबसे पहले कहाँ अकोमोडेशन दी, मतलब आपको मतलब जैसे कि हाउसिंग जो अवाना जो बिल्डिंग चली थी, अवाना ने हाउसिंग प्रोवाइड की कहीं पे कि नहीं? हाँ टेंपरेरी अकोमोडेशन उन्होंने एक हफ्ते के लिए दिया था, कि होटल में जो लोग लीज होल्डर्स हैं उनको उन्होंने 1 वीक के लिए अकोमोडेशन दिया था। तो वन वीक के बाद मतलब कहीं और खुद ढूंढो, मतलब वन वीक के बाद उन्होंने कहा था कि और खाना पीना खुद करो। होटल में जब तक थे तो इट वाज रीइंबर्सेबल, सो खाना मिलता था पर बेसिस, कि एवरीडे दे गिव यू आई थिंक $100 पर डे, एवरीडे $100 की मील जितने मर्जी। हां वो तो बहुत सही है यार। And also it is very important to have a good renter's insurance. जिन्होंने renter's insurance ली थी और जिनका पूरा फ्लोर खराब हो गया था उन्हें पूरा कवर कर दिया गया, अप टू आई थिंक $5,000, जितनी आप अच्छी renter's insurance हो गए अकॉर्डिंग टू दैट। बट जिनके पास renter's insurance नहीं थी दे हैड टू बाय everything फ्रॉम स्क्रैच, और मेरे फ्रेंड्स में से कुछ थे जिन्होंने खरीदी थी, कुछ ने नहीं खरीदी थी। कितना टाइम लगा ओवरऑल सेटल होने में, मतलब अब कितने देर बाद मतलब लगा कि फाइनली अब घर बना सकते हैं इस जगह को, मतलब इट्स सो ट्रैजिक। ऊपर से कोरोना का जॉब का भी टेंशन, अपार्टमेंट का टेंशन, ये तो डबल लोड आ गया ना। वो तो था ही, और ये हुआ कि जब मतलब जब घर जा गया तो पहले समझ नहीं आ रहा था कि रहे कहाँ कैसे करें, तो आसपास में जो लोग दोस्त लोग जो यवन में थे जो यहाँ वहाँ पे थे उन्होंने थोड़े दिन अपने घर पे रुकने दिया, फिर लकीली थोड़ा बिल्डिंग ने भी हेल्प कर दिया था उन्होंने, शायद एप्लीकेशन फीस माफ कर दिया था,
तो उसके कारण फिर अप्लाई कर पाया। हर्ष को पहले घर मिल गया था, तो हर्ष के घर में मैं हॉल में सोता था या अंदर सोता था। इट टुक ऑलमोस्ट लाइक 14 डेज 15 डेज टू गेट ऑल दिस सॉर्टेड। ओह माय गॉड, 1 मंथ आपको? हां 1 मंथ, मेरा लीज 1 मंथ बाद था नया अपार्टमेंट का। Okay. और कोई और मतलब अगर किसी नेक्स्ट टाइम किसी और को ऐसा होता है तो क्या टिप्स देना चाहोगे? मतलब कभी अभी कभी नेक्स्ट टाइम किसी का फायर अलार्म बज जाता है तो पासपोर्ट, लैपटॉप और फोन तीनों सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें वो हमेशा। हाँ, हम लोग अभी क्या करते हैं कि एक छोटा सा जो कैबिन बैगेज होता है उसमें सारा पासपोर्ट, एक सेट ऑफ चार्जर और एसेंशियल मतलब एक टॉवल का एक सेट, ऐसा एक ब्रश सब उसमें लगा के मैं रख देता हूँ, क्योंकि यहाँ आने के बाद भी दो तीन बार फेयर अलार्म बज चुका है जो फॉल्स अलार्म था, लेकिन क्योंकि हम लोग ये ट्रामा ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं तो इट फील्स कि हाँ ये सब फिर से हो रहा है। तो टू बी प्रिपेयर्ड मैंने कैबिन बैगेज में एक पासपोर्ट वगैरह सब रख दिया है, जो अगर इमरजेंसी में जाना पड़े तो उसको लेके भाग जाऊंगा। हाँ एवरीवन, या मैं भी अभी यही करूंगा। मैंने मतलब जब आपने इंसिडेंट बताया ना, ऑनेस्टली मैंने सबसे पहली चीज किया कि पासपोर्ट और अपना लैपटॉप एक साइड पे रखा। कुछ हुआ तो मतलब कि मैं भी अपार्टमेंट में रहता था तब मुझे भी यही लगा कि ये साइड पे रखना चाहिए कुछ भी हो। मैंने भी बहुत फॉल्स अलार्म्स देखे हैं। जब मैं ऑन कैंपस रहता था रात के 3 बजे बज जाता था, 2 बजे बज जाता था। ओ माय गॉड, बट थैंक गॉड आप यू केम थ्रू द सिचुएशन। मतलब एक ऊपर से कोरोना का टेंशन, जॉब का टेंशन, ऊपर से अपार्टमेंट का टेंशन। या यू आर बिग मोटिवेशन यार, थैंक यू सो मच। Now talking about the free SAT, ACT live sessions done by Next Genius. All teachers will be Indian, so bilkul free honge starting this Sunday, 27 December, 2 to 5 PM. Aap har Sunday attend kar sakte ho. All details will be in description below. Aur jin bachcho ko 100% scholarship mili hai, unki main videos bhi description mein link kar dunga. Just search for Next Genius scholarship program or go to the website in description below. So definitely check it out and thank you so much for watching. We'll be right back.